दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी चैम्स की दुनिया में। अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उन सब के डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। मैं इन सब के ऊपर अपने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाऊंगा और मैं नाउन के ऊपर पहले ही उसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना चुका हूं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेसन। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, उसमें से पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और चौथा है वर्ब यानी कि क्रिया, और पांचवा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन यानी कि संबंधवाचक, सातवा है कंजक्शन यानी कि संयोजक, और आठवा यानी कि आखिरी है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। दोस्तों अब हम आठों का यानी कि इन आठों का डेफिनेशन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले नाउन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन के ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दिखता होगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन इंग्लिश में ये है कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में किसी भी व्यक्ति स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो नाउन की जगह जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और तीसरे नंबर में आता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव आर दोस वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब यानी कि रिप्रेजेंट करता है। और इसका हिंदी डेफिनेशन ये है कि किसी भी संज्ञा अथवा उसके शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और फोर्थ में आता है वर्ब यानी कि क्रिया। ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट और ऑकरेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। इसका हिंदी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। जिस शब्द से किसी कार्य यानी कि कोई काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना सोना रहना आदि। और अब फिफ्थ में आता है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। दोस वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध वाचक। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जेनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन से पहले यानी उसके पीछे रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्द से उसका क्या संबंध है यानी कि क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। कॉन्जंक्शन यानी कि संयोजक। कॉन्जंक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, मतलब कि कॉन्जंक्शन ये शब्द है जो दो शब्दों या दो सेंटेंस को एक साथ में जोड़ता है। और ये आखिरी है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन यानी कि अचानक फीलिंग्स और इमोशंस आर नोन एज द इंटरजेक्शंस। अचानक दिल से निकलने वाले शब्द को इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं पर एंड होता है।